छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा बेमेतरा तहसील कार्यालय में सामने जिला स्तरीय क्रमिक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं न्याय पद यात्रा हुई। बता दें कि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन विगत 4 वर्षों से एक सूत्रीय मांग प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए वेतन विसंगति दूर करने को लेकर लड़ाई लड़ रही है। फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा लगातार सड़क की लड़ाई लड़ रही है तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों से लगातार मुलाकात की गई। शिक्षा मंत्री के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर कमेटी का निर्माण किया गया था जो कि 3 महीने की थी, जिसका निर्णय आज तक नहीं आ पाया है। 16 महीने बीत जाने के बाद भी आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला है। ये जो क्रमिक आंदोलन चल रहा है, हम लोग जो है रायपुर में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हमको वहाँ पर समय नहीं दिया, जगह नहीं दिया गया। इसके फलस्वरूप हम लोग मजबूरी में जो है क्रमिक आंदोलन जीरावाल कर रहे हैं। 12 फरवरी से निरंतर जारी है। आज जो है बेमेतरा की और यहाँ पर हमारा क्रमिक आंदोलन वेतन विसंगति न्याय पद यात्रा का आज यहाँ पर 20वां दिन है और हम लोग आज बेमेतरा के बारी है। कल हम लोग जो है सुकमा में आंदोलन होगा, उसी संबंध में हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। 18 महीने बीत चुके हैं, उस कमेटी का निर्माण नहीं हो पाया है और उसकी अभी तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी है, जिससे प्रदेश के 1,09,000 सहायक शिक्षक प्रधान पाठक साथी नाराज होकर हम लोग जो है क्रमिक आंदोलन कर रहे हैं।